ये सारी की सारी लाके ना रूबी को और नूर को दे दो। जी अच्छा, अब फटाफट ले आना। जी जी बिल्कुल। भाईजन भाईजन एक मिनट, मेरा बात मेरा मतलब है कि यहाँ कोई मार्केट नजदीक है। क्या लेना आपने? ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ये चीजें लेनी है ना भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता। भाईजन आप ही बता दें, मार्केट नजदीक हो, सामान लेना है। बोल नहीं सकते भाईजन, बड़ा अफसोस की बात है, ये तो बोल नहीं सकते। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। कहाँ से लूँ सर? भाईजन आप ही बता दें, मेरी अभी तक किसी ने कोई मदद नहीं की, जरा बता दें कि ये सामान किधर से मिलेगा। अच्छा आप ऐसा करें, जी सब्जी चिकन मटन, जी आप वहाँ से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, यानी अब मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझे सब्जी और सारी चीजें मिल जाएगी, उस तरफ जाऊंगा मिल जाएगी, इस तरफ आपको सब्जी मिल जाएगी। बड़ी मेहरबानी साहब जी, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं ये सारी चीजें लेके जाऊंगा और साहब जी को बताऊंगा। واقف لك مثل البواب يا سوسو يا سوسو، بس اودع واستقبل يا سوسو يا سوسو. कितनी अच्छी एंडिंग थी, काश असल जिंदगी में भी यही होता। हीरो हीरोइन की शादी कोई अच्छी एंडिंग है, असल जिंदगी में नहीं चलेगी। अच्छा तो असल जिंदगी में अच्छी एंडिंग किसे कहेंगे? जैसे कि सोचो, एक आदमी सारी जिंदगी ख्वाब देखता है कि वो अपने बूढ़े बाप का सहारा बने, अपनी बहन की शादी शान से करे। एक दिन वो टॉक शो का 100 रुपए का रिचार्ज कराता और टॉक शॉक उसकी उम्मीदों को पूरा करता है। करोड़पति ऑफर से उसका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला था। टॉक शॉक से अब वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। टॉक शॉक करोड़पति ऑफर से हो सकती है आपकी भी अच्छी एंडिंग। किसी भी एक्टिवेशन के बगैर सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज करें और आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए का बम्पर प्राइज। यही नहीं, टॉक शॉक से बेशुमार खानदान जीतेंगे 1 लाख। आइए आइए आइए। और आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। और बताएं। जुल्फी साहब, सदीकी साहब ने आपकी बहुत तारीफ की थी, वो कह रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के आप माहिर हैं। बस जी उनकी जरा नवाजी है, वो इज्जत बख्शते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना चाहता हूँ जिसके सिलसिले में मुझे कुछ पुर्जे बाहर से इंपोर्ट करने हैं, उसके लिए आप जैसे माहिर की जरूरत थी मुझे। बस ये तो कोई मसला ही नहीं है, इस शहर में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनमें से आधी से ज्यादा में तो मैंने सप्लाई की हुई है मशीनरी सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इस तरह तो आपकी अपनी जाती एक आध इंडस्ट्री होनी चाहिए थी। अरे सर, जब वैसी प्रॉफिट इतना करोड़ों में हो रहा हो तो क्या जरूरत पड़ी है मुझे कि मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊं या कंपनी खोलूं? तो आपका ऑफिस बड़ा होना चाहिए था। अब जाहिरी शोशा में भी क्या रखा है जी, काम होना चाहिए ना। अब आप देखें, मैं अकेला आपका काम कर दूंगा। जुल्फी साहब आप कहीं काम दिखा ना जाइएगा। हाँ हाँ बताओ। इनसे पूछें चाय पिएंगे या सीधा खाना खाएंगे? बरकत,
ये क्या तरीका है बात करने का? साहब जी, मैंने नहीं पूछा, बेगम साहबा पूछ रही हैं। उनसे कह दो कि पहले चाय पियेंगे फिर खाना खाएंगे। ऐसे करें, खाना रहने दें, एक प्याली चाय ही काफी है। खाना आप कैसे नहीं खाएंगे? खाना तो आपको खाना पड़ेगा साहब जी, दोनों बीबियां मुश्किल से खाना बना रही हैं पढ़ पढ़ के। वो इसका मतलब है कहने का कि वो असल में आपको पता है ना, आजकल खवातीन बहुत मल्टीटास्किंग करती रहती हैं, तो वो खाना भी पका रही हैं साथ में कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ रही हैं, फैशन अपडेट्स वगैरह। हाँ जी हाँ जी, वो मेरी बीवी को भी कुछ इसी तरह की आते हैं। साहब जी, आपकी बीवी को भी खाना पकाना नहीं आता? तुम जाकर सीधी तरह बस चाय ले आओ ना इनके लिए। साहब जी, चाय तेज पत्ती वाली या तावीज वाली? तावीज वाली, वो असल में ना इन्हें फिक्की झुकते मारने की आदत है, वो टी बैग वाली चाय को तावीज वाली चाय कह रहे हैं। जुल्फी साहब, मैं डर ही गया था, बिल्कुल घबराए ना। बरकत, जाकर अच्छी सी टी बैग वाली स्ट्रॉन्ग चाय बनवा कर लेके आओ। जी जी, अच्छा सर। हाँ, और बंदूक बाहर छोड़ दिया करो जब किचन के काम कर रहे होते हो, तो असल में वो मल्टीटास्क कर रहे हैं ना। मैं बहुत छोटे स्टाफ में बिलीव करता हूँ, तो चौकीदार भी हैं, घर में भी हेल्प करवा देते हैं। अच्छा आप बताओ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अपनी जो वेबसाइट के बारे में। अब जो I'm going as well. Papi, seriously, आपने ना खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। तो भूल रही हो रूबी, चिकन और वेजिटेबल तो तुमने बनाए, मैंने तो मटन और बीफ बनाया था। अरे नहीं भाभी, आप भूल रही हैं, आपने चिकन और वेजिटेबल बनाए। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, दोनों चीजें तुमने बनाई थी। भाभी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि चिकन और वेजिटेबल आपने बनाया है। मारे कहने से क्या होता है, तुम्हारा तो दिमाग फाड़ रही है। वैसे भी ये चिकन और जो है ये तुमने बनाया था, इसलिए इतना ज्यादा नमक है तुम्हें खाना नहीं। क्या बस बस कर रहे हो तुम? अरे भाभी आप पागल हो गई है, ये चिकन और वेजिटेबल आपने बनाया है। तुम्हारी बहन ने पागल किसको कहा तो मुझे वह मैं ना ये अब तुम भाई आप अपनी नहीं